अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको सुपर मरियम के व्लॉग्स में खुश आमदीद जी। नीचे वाले पोर्शन के काम निपटा कर मैं आ चुकी हूँ अब ऊपर। आज है हमारा लॉन्ड्री डे, तो जनाब उसके सारे कपड़े तो मैं अपने सारे इकट्ठे करके रख गई थी, और साथ साथ कपड़े धोएंगी, साथ साथ किचन में कुछ दिन का जो खाना पीना होगा वो चलेगा जी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने कपड़े इकट्ठे करूं, और कहते हैं मशीन ऑन। और अच्छा जी, इसमें कपड़े डाल दिए हैं मैंने, साथ में सर्फ भी डाल गई। इसको करते हैं बंद। और जी वाटर लेवल सेट है, प्रोग्राम इसका आ गया जी हैवी। चले जी कपड़े साथ साथ धोते रहेंगे वॉश। कपड़े बस थोड़े से हैं, कुछ हैं बच्चों के और कुछ हैं बड़ों के। इसके साथ साथ ही मैं अब समेटूंगी साथ में ऊपर वाला किचन जी। ऊपर वाले किचन की भी हालत हो रही है ख़राब, और साथ में आज मैंने सोचा दिन को कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। आज मेरा दिल है कि जो ब्लैक चने होते हैं उनके साथ मैक्रोनी बना लेते हैं। बड़ी अच्छी सी हल्की फुल्की सी डिश है, हेल्दी भी है और आपके सेहत के लिए भी अच्छी है। अच्छा जी, और मेरा ना स्टोव हो गया ख़राब, और ये दे रहा है आजकल कालख। इसको उतार के तो लेके जाना पड़ेगा, चेक करवानी है। देखिए बर्तन काले करना शुरू कर दिए इसने। चलिए रात को खाए थे जो सेब और बाकी जो है गंदे बर्तन, इनको मैं कर लूँगी समेट लूँगी। और सबसे पहले करते हैं हम अपने जो हैं स्लैब्स, इनको क्लियर। इनको क्लियर करने के बाद जनाब तो फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद मोपिंग करेंगे। मोपिंग करने के बाद फिर पकाएंगे दिन का खाना। अनाया उठ गई थी, उसको नहला के मैंने कपड़े शपड़े चेंज करके नाश्ता देके आई हूँ। अच्छा जी, ये देखिए जी बाहर का मंजर, बाहर फसलें काट रहे हैं लोग। ओ वहाँ पे एक आंटी लगी हुई, ये देखिए ये अपनी फसलें समेट रही है। यहाँ पे आंटी हो गई गायब। चल जी, बड़े खूबसूरत मंजर है, लेकिन लोगों ने अपने वो जो है ना सिट्टे उतारने के बाद वो जो टांडे बज जाते हैं उनके झूमर लगा दिए। ये भी ज़मीनों में बड़े खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, मेरी किचन की खिड़की के ये मज़े हैं, साथ साथ में काम करें और साथ साथ में इंजॉय करें। अब शुरू करते हैं काम। सबसे पहले मैंने अपने स्लैब्स क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, हम पहले लगाएंगे अपने सारे स्लैब पे। एस्टोनिश वालों के लिए कुछ वाला कपड़ा। अच्छा, हालांकि वैसे रात को मैं अपना किचन क्लियर करके सोती हूँ, लेकिन फिर लेट नाइट आपको पता किचन में कुछ ना कुछ खाना पीना चलता रहता, तो फिर वो जो पकाया जा देते हैं वो फिर सुबह उठ करते हैं। हमारे घर में माशा से दो पोर्शन, दोनों के किचन, एक है ऊपर एक है नीचे। नीचे है हमारा फैमिली किचन, ऊपर हम कभी कभी यूज़ करते हैं जब अक्सर मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर करूँ, या वैसे आपको कुछ दे लो खाने के ऊपर बनाने के लिए तो ऊपर बना लेते हैं। ज़्यादा नीचे ही किचन को यूज़ करते हैं, वही हमारा फैमिली किचन है। अच्छा जी, इसको लगाने के बाद आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और मुझे किस टॉपिक पे बनाने चाहिए, आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, क्योंकि ये सब काम हम आपके लिए करते हैं।
ये जो व्लॉग्स है ना यूट्यूब पे, ये भी एक बड़े मज़े की चीज़ है। ये बस एक ऐसे बन गए जैसे ना आपने किसी की ना पर्सनल लाइफ में ना कितने झाती मार रहे हैं, ये भी बड़े मज़े की चीज़ें की देखेंगे। अच्छा फलां बंदा क्या कर रहा है। अच्छा जी ये हो जाएगा फटाफट से सारा क्लियर। हाथ को गंद तो होता नहीं है लेकिन आपको पता है इन दिनों फसलें काट रहे हैं और फिर उससे जो होती है ना उसकी धूल मतलब तो डायरेक्ट घरों के अंदर है। अच्छा ये देखिए मेरी मनी प्लांट माशा से बड़ी ही प्यारी हो गई है। ग्रीनरी हो ना आगे पीछे तो फिर आपको माहौल बड़ा अच्छा लगता है और काम करना भी बड़े मज़े का लगता है। अच्छा जी ये लीजिए मेरे जो सारे शेल्स हैं वो हो गए हैं क्लियर। ठीक है जी अब मैं झाड़ू लगा लेती। ओके जी झाड़ू हो गया हमारा फिनिश, सारा हमने समेट पोंछ लिया, मैट्स हमने झाड़ लिए और अब मैं इनके खाने का काम शुरू करती हूँ। अच्छा जी तीन के खाने का मैंने कर लिया है इंतज़ाम फटाफट से, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली है। मैक्रोनी है बॉयल हुई हुई और इसी के साथ है टमाटर कटा हुआ, शिमला मिर्च है, प्याज है, दही है, दड़ा मिर्च है और काले चने हैं, ऑयल है और बाकी जो दिग्गर मसाला जाते होंगे वो हम साथ साथ शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अपना पैन जिसमें हम बनाएंगे जी, ये वाला ले लेते हैं। ठीक हो गया जनाब, पैन हो गया पन और जी इसको करेंगे ऑन। डेंजरस मेरे वाला काम नहीं करना आप लोगों ने क्योंकि मेरे हाथ में था मोबाइल, इस वजह से हुआ है ऐसे। अच्छा जी अब क्या करेंगे हमारी और ये गरम, सबसे पहले मैं करूँगी खिड़की को बंद क्योंकि हवा की वजह से मेरा चूल्हा नहीं जा रहा। ये चलो खिड़की हमने कर ली है बंद। सिंपल सा है ये डिश झटपट से बनने वाली। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ऑयल, ऑयल तकरीबन तीन से चार जो बड़े हांडे बनाने वाले चम्मच है ना खाना बनाने वाला वो मैंने ले लिए जनाब। ये चलेंगे थोड़ा सा इसका गर्म होता है ऑयल तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। अच्छा आप ना चने और मैक्रोनीस बॉईल करके अपने फ्रिज में रख लें, जब से कोई मेहमान है तब भी आप झटपट बना के इसको सर्व करें, खाने में भी बहुत अच्छी हैं और क्विक से भी बन जाती हैं और आपको डिफरेंट सी रेसिपी लगेगी। और अगर आप डाइट का स्केड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। आपको पता है काले चने डाइट के लिए बहुत अच्छी हैं वेट लूज़ करने के लिए। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मैं भी वेट लूज़ ट्रैक पर आ रही हूँ तो इंशाल्लाह सारी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। आप मुझे टिप्स दीजिएगा मैं आपको दूंगी और अगर किसी ने मेरे साथ इस जर्नी में चलना है तो चलो मिल के इकट्ठे करते हैं। ओके ये प्याज हो जाए जब हल्का सा सोते फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये जो बना के मैंने कटोरी में रखा हुआ है। और बाकी जैसे आम सिंपल आप तड़का बनाते हैं ना खाने का उस तरह से बना के फिर मैक्रोनीस शामिल कर लेंगे, फ्राइज इसमें डालेंगे और यमी सा चीज़ बनाएंगे। अच्छा जी जनाब ये देखिए प्याज हो चुका है लाइट सा ब्राउन हो गया, लाइट सा कलर ये चेंज कर रहा है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, हम लेते हैं जी चम्मच, इसमें तकरीबन दो जो है टीस्पून भर के ले जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट
और जनाब इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर आप चाहे जिसमें बाकी सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे बाकी आम मैक्रोनी या पास्ता बनता है उसमें गाजर बंद गोभी बाकी ऑलिव मशरूम्स वगैरह जाते हैं, आप चाहें तो उसमें वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी शिमला मिर्च शामिल करूंगी, वो भी लास्ट में। अच्छा टमाटर बन गए और इसी स्टेज हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करते हैं। स्टोव हम थोड़ा सा कर लेते हैं हल्का और मुझे ये लग रहा है जैसे कि मेरा सिलेंडर भी ख़त्म हो रहा है। अच्छा जी अब जाएंगे इसमें स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें शामिल करते हैं जनाब तकरीबन हाफ टी स्पून इसमें हल्दी चलेगी। हल्दी के बाद चला जाएगा जी इसमें तकरीबन मेरे नमक का चमचा ही बीच में सगाया और इसमें तकरीबन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें चला जाएगा सॉल्ट। मैं तकरीबन डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट। ठीक है जी वो चला गया। अब इसमें चाहें तो आप लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ गड़ा मिर्च, ये वाली जो कि है हमारी एक जो मैंने आपको दिखाई थी ना मामी सुखाई हुई है, शायद वो ब्लॉग भी मैंने आपको शेयर नहीं किया, मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो ये वो वाली है घर में हमने सुखा के इनको पीस लिया हुआ है और वो ये गिर गई है मेरे से। और चलिए ये तकरीबन मैं बस तकरीबन 3 टीस्पून होंगी जब मैं उसमें शामिल कर दी है, बहुत तेज़ है टू मच स्पाइसी। अच्छा जी गड़ा मिर्च चली गई इसमें। अब इसी टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही और दही के साथ ही हम अपने चने शामिल कर देंगे। ये एक प्याली दही चलेगी जी यम्मी यम्मी स्पाइसी यम्मी डिश चने। इसी में डालिए आप अपने चने। ये चने मेरे पास तकरीबन 2 कप चने थे बॉयल हुए हुए। चने डालने के बाद आप इसको ढक दें और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भून जाएं। इतनी देर में आपके जो और काम है आप उनको निपटा लें। अब जैसे कि मैंने अपनी कपड़ों वाली मशीन लगा रखी है साथ में, मैं उसको चेक कर लूँ वो बजर दे रही है। चलिए जी मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अच्छा जी देखिए जी हमारे चने आ चुके हैं इस पोजिशन में, अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, इनमें सारे स्पाइसेस हो चुके हैं मिक्स। इसी टाइम पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सिरका, ये तकरीबन 1 टीस्पून है जो हम सिरके की शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला मिक्स की ऐड करेंगे। ये एक पूरा प्रॉपर मील है आप लोगों के हेल्दी के हेल्दी टेस्ट का टेस्ट। इसी टाइम पे हम शामिल कर देंगे जो है जो हमारी मैक्रोन्स। बिस्मिल्लाह मिक्सअप कर लेते हैं। इसका अच्छा कलर आ रहा है इसका।
अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च और 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखें। ओके जनाब, ये जो मैक्रोनीस हो चुकी हैं तैयार और इसको मैंने कर लिया है डिश आउट। अब इसको मैं रखती हूँ डाइनिंग पे और हम इसको करते हैं सर्व। जी इसके साथ आप इंजॉय कीजिए, केचप लें साथ में या मतलब बारबेक्यू या गार्लिक सॉसेस वगैरह। ये आगे जनाब आप बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ, किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ और सुकून अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, शाद व आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह हाफ़िज।